गाइस, गुड मॉर्निंग. और आज है नेक्स्ट डे, मतलब कल का ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने वहाँ पर ये शो किया है कि मैंने ये किस तरह से लगाए हैं. और मैं इन्हीं को लगा करके सोई थी. और एक तरफ तो मेरे बाल बिल्कुल वैसे ही एज इट इज़ हैं, बट इस तरफ की हालत थोड़ी ख़राब हो गई क्योंकि मैं ऐसे ही सो रही थी. इधर तो मैं सो नहीं पा रही थी, मुझे थोड़ा सा गड़ रहा था. एंड अब मैं इसको ओपन करके देखती हूँ कि ये किस तरह से कर्ल्स हुए हैं. ऑल दो मेरे बाल थोड़े स्ट्रेट हैं तो आई डोंट नो कि ये टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, बट मैं आपको बताती हूँ उसका रिजल्ट क्या है. और अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ थोड़ी देर पहले, तो सबसे पहला काम होता है मेरा यूजुअली सो के उठने के बाद कि मुझे अपना थंबनेल एडिट करना होता है. अगर सपोज आज मेरा कोई वीडियो डालना है, आज मेरा एक वीडियो डालना है और उसका मुझे थंबनेल एडिट करना है, तो सबसे पहले तो मैं वो थंबनेल एडिट करूँगी. मुझे हार्डली 20 मिनट्स लगेगा थंबनेल एडिट करने में. और उसके बाद एडिट करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और ये आपको ओपन करके बताती हूँ. तो बेसिकली यहाँ पर जस्ट आपको ऐसे जैसे हमने राउंड राउंड करके इसको लगाया था वैसे ही बहुत इजीली ओपन हो जाते हैं. आराम आराम से इसको ओपन करना होता है ताकि आपके बालों में ये उलझे ना और आपके बाल टूटे ना. तो इस तरह से मैं यहाँ पर अभी प्रॉपरली ओपन कर रही हूँ. ये है मेरे कर्ल्स जो कि बहुत ही मस्त हुए हैं, एकदम सही सपाटा. मतलब मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, ना ही मैंने हीट ब्लो मतलब ड्राई से ड्रायर करते हैं ना, गरम गरम हीट फेंकते हैं, वो भी नहीं किया है. बहुत ही अच्छे कर्ल्स हो गए हैं. अब लेट्स सी कि कब तक टिकते हैं. ये मोस्ट प्रोबेबली आज ही टिकेंगे, कल मुझे नहीं लगता टिकेंगे क्योंकि मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट नेचर के हैं. तो बट ये काफ़ी अच्छा है एक दिन के लिए. बट हाँ, आपको सोने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मतलब इस तरफ नहीं करके मैं शिफ्ट ऐसे करके नहीं सो पाई, मुझे इसी तरह सोना पड़ रहा था, तो वो थोड़े प्रॉब्लम्स हैं. और अब मैं फटाफट से जाती हूँ कुकिंग करने के लिए और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ. हाय गाइस, तो अभी मैं आपको अपडेट देती हूँ. सुबह मैंने अपने बाल बताए थे कि कैसे थे, तो आफ्टर अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और 9 बजे तक मेरे बाल, ये 9 बजे छोड़िए, ये 5 बजे ही ऐसे हो गए थे. मतलब आई डोंट नो भी आपको दिख रहा है कि नहीं, लाइट्स का इशू है. वेट, अभी तो और नहीं दिखेगा, सेकेंड. ये देखिए, लुक एट दिस. मेरे पूरे बालों का जो कर्ल था वो पूरी तरह से जा चुका है. तो अभी मेरे बाल ना तो स्ट्रेट बचे हैं ना तो ये कर्ल्स बचे हैं, तो ये एकदम झाड़ू वाले कंडीशन में आ चुके हैं. मैंने सोचा था कि ये मतलब ये 2 बजे तक कबाड़ा हो चुका था मेरे बालों का. सो इधर यू वॉन्ट अ सेटिंग स्प्रे और समथिंग लाइक दैट, अदरवाइज अगर आपके बाल भी स्ट्रेट पैटर्न में हैं तो ये टिकने से रहा, मतलब ये टिकने विकने वाला नहीं है आपके बालों में. और अभी मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने के लिए शाम की. आज मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि 8-8:30 बजे तक मैं रोटी बना के रख लूँ और शाम को थोड़ा सा वर्कआउट भी कर लूँ. मैंने 3 दिन से वर्कआउट नहीं किया हुआ है. तो अब मैं जा रही हूँ कुकिंग करने के लिए, फटाफट से कुकिंग करती हूँ उसके बाद बाकी की चीज़ें करूँगी. मतलब डेली ब्लॉगिंग करना इज़ इटसेल्फ अ वेरी बिग टास्क. आपको जैसे घर के काम भी करने हैं एंड देन बाकी की चीज़ें भी करनी है, जैसे मेरे को एडिटिंग भी करनी होती है और फिर तो मैं एडिटिंग में ही मेरे 2-3 घंटे तो आराम से चले जाते हैं. मतलब एडिटिंग यू टाइम निकल जाता है. ब्लॉगिंग मुझे लगता है कि मैं दिखाऊँ क्या, मतलब क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है मेरी लाइफ में जो मैं दिखाऊँ. बट स्टिल इतने लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि आप ब्लॉगिंग करो ब्लॉगिंग करो ब्लॉगिंग करो, तो फॉर द सेक ऑफ देम और उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए मैं थोड़े ब्लॉग्स बना लेती हूँ उन लोगों के लिए. अदरवाइज मेरा मन ऐसा करता है कि हफ्ते में 1 या 2 ब्लॉग्स इज इनफ. मतलब डेली टाइप का ब्लॉगिंग मैं शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझे समझ में भी नहीं आता है कि क्या मैं दिखाऊँ. मतलब कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए दिखाने के लिए, तो मैं दिखाऊँ भी वैसा.
तो बाकी, तो बाकी टाइम तो हम लोग काम ही करते रहते हैं, अपना विक्की अपना काम करता रहता है, मैं अपना काम करती रहती हूँ, एडिटिंग वेडिटिंग करती रहती हूँ, वो सारी चीज़ें। एंड आटा बहुत ही सॉफ्ट गूंदा है। हाय गाइस, तो अभी मेरा खाना बन चुका है, मैं फटाक से खाना खाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जो मैं कल के वीडियो से बताना चाह रही थी वो मैं आज ही आप लोगों को बता करके ही सोऊंगी। तो मैं डिनर करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अभी हम लोग घर वालों से बातें करने लग गए थे, तो फटाक से मैं डिनर करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस, तो अभी मैंने जस्ट अपना जो एडिटिंग है वो कम्प्लीट करा है। एडिटिंग मतलब वीडियो एडिटिंग तो मेरा हो चुका था, और मेरा जो वीडियो वगैरह है वो ब्रांड का वीडियो भी था, वो भी मैंने सेंड कर दिया। बट मैं दूसरी एडिटिंग करी थी, मतलब मैंने अपना चैनल आर्ट चेंज किया, मैंने अपना थंबनेल चेंज किया यूट्यूब का। तो अगर आप अभी वाला वीडियो देखोगे, जब भी अपलोड किया है, इसके कम से कम 10 दिन पहले मैं चैनल आर्ट चेंज कर चुकी होंगी, तो आप मेरा चैनल आर्ट ज़रूर चेक करना। आई नो ये सब चीज़ें ना, मतलब आई स्वेयर कोई ध्यान भी नहीं देता होगा, बहुत कम लोग होंगे जो ये सब चीज़ें ध्यान देते होंगे, कुछ एक पैटर्न बनाना यूट्यूब के वीडियोज़ में एंड ऑल दैट। बट मैं ये लिटरली, मैं जितने भी लोगों के वीडियोस देखती हूँ ना, मैं उनका चैनल आर्ट ज़रूर देखती हूँ, मैं उनका इंट्रो आउट्रो देखती हूँ, उनका थंबनेल देखती हूँ, मैं इन सब चीज़ों से बहुत इंप्रेस होती हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू, ये सारे शैम्पूज हैं, इनमें से शायद एक दो और शैम्पू जो ख़त्म हो गया होगा, दैट ब्रांड क्या नाम है यार उसका, एक्सपेंसिव सा लग्जरी ब्रांड है, एगते के साथ भी मैंने कोलैबोरेशन किया है, और डर्माको की रेंज वाला मैंने रिसेंटली कोलैबोरेट किया है, जो हेयर फॉल वाली रेंज है। तो इन सबको मैं एक्चुअली, इनमें से मैं कौन से शैम्पू यूज़ करती हूँ और कौन से शैम्पू बेस्ट हैं, जो शैम्पूज मैं अभी आपको बता रही हूँ उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर मैंने दूसरे को छोड़ा है तो वो ख़राब है। ये जितने भी शैम्पूज रखे हुए हैं ये सब, अयो बैठ जाती हूँ नीचे, मैं बहुत थक गई हूँ, तो बिकॉज इट्स 11:30 इन द नाइट, और अभी बिल्कुल कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, बट फिर भी आई हैव टू कम्प्लीट दिस व्लॉग बिकॉज कल भी मैंने ऐसे बोल लिया था। ओके, तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये सारे शैम्पूज जो हैं, इनको मुझे रख के भी आना है, दूसरा टेंशन तो मेरे को ये है कि इन सबको मुझे वापस रख के आना है। तो ये है खादी का शैम्पू, जिसको आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट मैंने इतना ख़त्म कर दिया है। ये वाला शैम्पू भी यूज़ करती हूँ मैं, और वेला के आप कंडीशनर देख सकते हो, मेरे पास दो कंडीशनर्स हैं, ये है एक कंडीशनर, बहुत ही अमेजिंग कंडीशनर है, दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ये एक टब आता है 1000 का, 1100 ऐसा कुछ इसका प्राइस है। तो ये मेरे पास दो बैकअप में भी एक और रखा हुआ है, मतलब मुझे इतना पसंद है। आप सोचो कि मैंने ये तब खरीद लिया था जब मुझे पता था मार्च में लॉकडाउन होने वाला है, तब मैं लेकर के 3 आ चुकी थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे, मैंने मेरे सारा चीज़ें जो भी था ना वो सब स्टॉकअप कर लिया था। ये बेसिकली क्या करता है, एक तो इसमें कुछ भी वो नहीं है, पैराबिन्स नहीं है, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, और दूसरा ये आपके बालों को बहुत सॉफ्ट, अगर आपके केमिकली ट्रीटेड हेयर हैं तो यू विल सी द डिफरेंस इन योर हेयर, काफ़ी अच्छा है। और इसका शैम्पू भी बहुत अच्छा है, बट आई वुड से कि इसका शैम्पू ना बहुत, एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, और मैं सच बताऊँ तो ये एलिमेंट्स और ये खादी क्लेंजर दोनों ऑलमोस्ट सेम वर्क करता है, दोनों ही मतलब ऑलमोस्ट सेम मैं बोलूँगी। तो नेक्स्ट टाइम से मैं इसको खरीद के रखूँगी एक बॉटल में, मेरे पास अब ये ख़त्म होने वाला है, बैकअप में एक लेकर के रखूँगी मैं, बट आई एम गोना बाय दिस एज वेल बिकॉज आई टोटली लव्ड इट, और मैं इसको 100% रेकमेंड करूँगी। हिबिस्कस एंड एलोवेरा एंटी हेयर फॉल शैम्पू है ये, मुझे नहीं पता हेयर फॉल में मेरे को कितना फ़र्क पड़ा है, बट मेरे हेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है इसको वॉश करने के बाद, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैंने कोई कंपेयर करूँ अगर मैं इससे, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है उससे, ये बिल्कुल 1/3 प्राइस में है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैंने कोई ऐसा शैम्पू लगा करके रखा है, सो दिस इज़ रियली गुड। वाला शैम्पू भी रखा हुआ है जिसको मैंने लास्ट 2 मंथ से यूज नहीं किया है, ये अगेन वेला का क्लीन स्कैल्प विद जिंक पायरीथियन, पता नहीं क्या क्या है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू है ये, बट इससे वॉश कर, ये भी बहुत एक्सपेंसिव था यार, ये वेला के शैम्पू बहुत महंगे आते हैं, नहीं ये ज़्यादा महंगा नहीं, ये 620 है, बट फिर भी महंगा है, नॉर्मल शैम्पू रेंज 300-400 के जो आते हैं उससे तो महंगा है 620, बट ये मेरे बाल बहुत ड्राई कर देता है। तो मैंने बताया ना, जब से मेरे पास ये आया है मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ये डैंड्रफ भी मेरी स्कैल्प को पूरा क्लीन कर देता है, ये डैंड्रफ वगैरह का इतना इशू मुझे नहीं हो रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उसके बाद आते हैं, ये मेरे पास एक लॉरियल पैरिस का ये सीरी एक्सपर्ट था, जो कि अगर आप स्ट्रेटनिंग करवाते हो तो आपको पार्लर वाले सजेस्ट करते हैं, मैं बोलूँगी कि ये बहुत खास नहीं है, बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी कर देता है, नीचे से बहुत सिल्की सॉफ्ट स्मूथ हो जाता है, बट इससे हेयर फॉल होता है। लॉरियल पैरिस के जितने भी इस तरह के शैम्पूज हैं जो इस रेंज में है, 2-3 और अलग अलग मुझे याद है, एक्सटेंसो वगैरह ये सारी चीज़ें जिसको मैंने शायद 5 साल यूज़ किया है, उन सबसे थोड़ा हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है, और वो आपको स्टार्टिंग में ही समझ में आता है बट एक्चुअली में प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट है ये OGX का आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को रिन्यूइंग इंटेंस मॉइस्चराइजिंग ट्रीटमेंट है, ये एक तरह का अमेजिंग वर्क करता है, बट ये बहुत एक्सपेंसिव आता है, ये भी 700-800 कुछ का आता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
और ये मिलता भी इतने इजीली नहीं है, मतलब ये 800 रुपीज का आता है और ये मेरे पास ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मतलब एक बार और यूज करूंगी। तो इसका बैकअप, क्योंकि इसमें तो शायद केमिकल्स भी हैं और काफी सारी चीजें होंगी, तो इसका बैकअप मुझे क्या मिल गया है, ये मैं 2 टब तो खत्म कर चुकी हूँ जो मुझे ब्रांड ने सेंड किए थे, एंड उसके बाद मैंने ये 2 और अपने पैसों से मंगवा करके रखे हैं, दोनों फुल भरे हुए हैं, अभी तक मैंने यूज करना भी स्टार्ट नहीं किया है। तो ये है त्रिचप का हेयर क्रीम कैरेटिन। आई डोंट नो कि ये 2 ब्रांड, ये वाला शैम्पू और ये जो हेयर क्रीम है, ये दोनों ही बहुत अफोर्डेबल है, इंडियन ब्रांड्स हैं, बहुत ही अच्छे हर्बल वाले ब्रांड्स हैं और बालों पे भी बहुत अच्छा असर करते हैं। अगर मैं शायद इनके साथ कभी कोलैबोरेट नहीं करती तो मुझे इनके बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि इनकी एक अच्छी मार्केटिंग जो बोलते हैं ना, वो नहीं हुई है। हम लॉरियल के इतने एड्स देखते हैं, वेला के इतने एड्स देखते, तो हम वही लेते जाते हैं, जबकि 1,000 के शैम्पू हैं, ये 300 रुपये का है और ये 600 रुपये में दोनों बॉटल्स आ गई हैं, और ये मेरे बाल ऐसे कर देते हैं जैसे मैं पार्लर से करवा करके आई हूँ। तो आई हाईली रेकमेंड यू, अगर आप ये लगा लेते हो और उसके बाद ये खादी का शैम्पू कर लेते हो, तो आपको कंडीशनर लगाने की भी जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। सो दीज 3 आर द अमेजिंग प्रोडक्ट्स। इनके अमेजन पे रिव्यूज अच्छे नहीं है, तो मुझे आई डाउट कि अमेजन पे ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, तो मैंने ये वासु के ही वेबसाइट से मंगवाया था, जो मेरी लिंक दी हुई थी ना, मैंने उसी लिंक से जाकर के मंगवाया, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा मुझे ब्रांड ने सेंड किया था। तो पता नहीं क्यों नेगेटिव रिव्यूज ये हैं, हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स जो मेरे ऊपर काम करते हो आपके ऊपर ना करते हो, जो आपके ऊपर काम करते हो मेरे ऊपर ना करते हो, ऐसा होता है जेन्युइनली, तो मे बी ऐसा कुछ होगा। अब आते हैं मामा अर्थ की रेंज पे, क्योंकि मैंने मामा अर्थ के भी काफ़ी सारे शैम्पू यूज़ करे हुए हैं। तो मामा अर्थ के शैम्पू इज लाइक, जैसे आप क्लिनिक प्लस और कैसे शैम्पूज यूज़ करते हो, उस तरह के शैम्पू यूज़ करते हो ना, क्लीन एंड क्लियर एंड ऑल, तो ये शैम्पू कैसे केमिकल्स वाले हैं, राइट, वो टेम्प्ररी इफेक्ट आपके बालों में बहुत अच्छा देंगे। तो मामा अर्थ के शैम्पूज आर लाइक दैट, मतलब वो आपके बालों को एकदम ऐसे सैलों स्टाइल नहीं बनाएंगे, बट हाँ आपके बालों को कोई हार्म नहीं होगा, बिकॉज इनमें केमिकल्स नहीं है। अभी आप ये एक्सपेक्ट करो कि मामा अर्थ का जो आर्गन शैम्पू है ये एकदम आपके बालों को सिल्की स्मूथ स्ट्रेट कर देगा, नहीं ऐसा नहीं करेगा। जैसे एक नॉर्मल शैम्पू वर्क करता है, उसी तरह से ये शैम्पू वर्क करते हैं। इनके शैम्पूज बुरे नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी, काफ़ी सारे लोग इसके बारे में नेगेटिव रिव्यू भी देते हैं, बट मुझे इनके शैम्पू पर्सनली बुरे नहीं लगे। मेरी मम्मी तो अनियन वाला शैम्पू कंडीशनर यूज़ कर रही हैं, उनको मैं देकर के आई थी और वो वही यूज़ कर रहे हैं मेरे मम्मी पापा दोनों। और भी मैंने आर्गन का एक और रेंज मेरे पास आई थी, वो मैंने अपने फ्रेंड्स को दे दिया, वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये जो आर्गन शैम्पू है ये मैंने 1-2 बार यूज किया, बाकी विक्की यूज करता है। तो शैम्पूज आर रियली गुड, ऐसा नहीं है कि शैम्पू ठीक नहीं है, बस ये है कि हाँ ये वैसा वर्क नहीं करते हैं कि आपको बिल्कुल, अब जैसे ये जो केमिकल्स वाले शैम्पू रहते हैं, ये बालों को लिटरली एक ही वॉश में एकदम ऐसे बना देंगे कि जैसे हम बिल्कुल सैलों से कुछ वो करके आए, तो वैसा नहीं करते हैं, बट दे वर्क्स वेरी वेल। तो अगर आप मुझसे पूछो कि आर्गन शैम्पू अनियन शैम्पू में से मैं कौन सा शैम्पू आपको सजेस्ट करूंगी, तो दोनों ही अपने अपने पर्पज के लिए अलग हैं, बट मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे आर्गन शैम्पू ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज बालों को वो काफ़ी अच्छा छोड़ता है। एंड अगर आप मास्क के बारे में पूछेंगे, तो अनियन हेयर मास्क एंड आर्गन हेयर मास्क बोथ आर वेरी गुड, दोनों एक जैसा वर्क करते हैं, आपके बालों को स्मूथ सिल्की बना देते हैं। मास्क तो उनके सारे ही बहुत अच्छे हैं। तो ये भी आप, अगर आपको जैसे नॉर्मल 300 तक का, 300-250 रुपए तक का आपको कोई शैम्पू चाहिए डेली यूज के लिए, नॉर्मल अफोर्डेबल इंडियन ब्रांड हो जो केमिकल फ्री हो, यू कैन गो विद दिस वन, अमेजिंग है। मतलब सारे ही शैम्पू जो मैंने आपको बताया सभी काफी अच्छे हैं, मैंने इन सबका एकदम ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को दे दिया है। डर्माको का जो हेयर फॉल वाला शैम्पू है, हल्का सा मैंने ये सब नोटिस किया है कि जब मैं उसको यूज़ करती हूँ तो मेरे बाल थोड़े ड्राई हो जाते हैं, मे बी वो कोई ट्रीटमेंट शैम्पू है, दैट्स वाई उससे मेरे बाल हल्के से ड्राई हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, बट मुझे सैरम लगाने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा ज़्यादा सैरम लगाने की जरूरत पड़ती है, जो बाकी शैम्पूज के केसेस में नहीं होता है। सो दैट मे बी बिकॉज दैट वॉज अ ट्रीटमेंट शैम्पू, जनरली जो आप डॉक्टर से स्कैल्प ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं वो लोग जब शैम्पू देते हैं, वैसे ही शैम्पू होता है गंदा सा, जो कि एक्चुअली में काम करता है बट आपको वो पसंद नहीं आता है, तो वो भी ठीक है, सब अपने अपने पर्पस हैं। तो इनमें से कोई भी शैम्पू मैं बोलूँगी खराब नहीं है, सब अपना अपना सबका पर्पस मैंने आपको बता दिया है। नो ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, बट अभी आप मेरे जो आगे नेक्स्ट मंथ भी मैं व्लॉग्स काफ़ी सारे लाऊंगी, बट मैं ऐसे छोटे 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 व्लॉग्स लाऊंगी, मतलब 10-15 मिनट तक के ही व्लॉग लाऊंगी, ज़्यादा लंबे व्लॉग नहीं लाऊंगी। सो येस दैट्स इट, आई होप अगर आपको थोड़ा सा मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो एंड आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।